अस्सलाम वालेकुम अजीज़ व्यूअर्स और अजीज़ तालिब इल्म, ये एक मुझे सवाल दिया गया था, वर्म की लीड और हेलिक्स एंगल मालूम करना है, फाइंड वर्म लीड एंड फाइंड डी में वर्म लीड एंड हेलिक्स एंगल। ओ डी जो हमें दिया गया था वो 24.6 था, पिच जो थी 8.5 mm थी और नंबर ऑफ स्टार था 4। तो स्टेप वन, सबसे पहले हम ये चीज़ मालूम करेंगे लीड, ये लीड मालूम करेंगे, ठीक है ना। नंबर वन, लीड ये इक्वल होती है नंबर ऑफ स्टार मल्टीप्लाई पिच। नंबर ऑफ स्टार्ट क्या है? 4 मल्टीप्लाई एज इट इज। पिच कितनी है? 8.5। ये आ गया हमारे पास 34 एम एम, ठीक है। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, बीस आठ सौ का 32, 32 और 2 34 इशारे में, तो 34 एम एम, ठीक है। ये यहाँ पे हमने इसको राइट डाउन कर लिया, अब मैं इसको मिटाऊंगा। ये चीज़ तो आपने मालूम कर ली। अब है नंबर टू, हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल देखें, हेलिक्स एंगल जो बराबर होता है वो होता है लीड डिवाइडेड बाई ओडी। अच्छा, बाज़ दफ़ा यहाँ पिच डाया भी दे दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो कि हमारे पास ओडी अवेलेबल है, हम उसको फॉलो करेंगे, डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई पाई। अच्छा, लीड हमारे पास क्या है? 34 एम एम। ओडी हमारे पास क्या है? 24.6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.1416, 34 एज इट इज आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 34 को हम इससे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.4399। हमारे पास नियरेस्ट जो वैल्यू आती है वो आती है 0.4383। जाहिर है थोड़ा सा मामूली सा ये फ़र्क है, तो ये हमारे पास आ गई हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो ये आ गई हमारे पास 23 degrees 40 minutes। याद रखिएगा, ये 40 मिनट इधर तक वैल्यू जाती नहीं है। अगर आप अच्छी एक्यूरेसी से आप मिलिंग पर काम करते हैं, अच्छी एक्यूरेसी से बनाना उसको बनाना चाहते हैं, तो मिलिंग के अंदर आपको मिनट के भी डिग्रीज का होना ज़रूरी है, वरना अदरवाइज आपको राउंड अबाउट राउंड डिग्री लेनी पड़ेगी, या तो 23 लेनी पड़ेगी या 24 लेनी पड़ेगी। अब 24 लेते हैं तो 20 मिनट का फ़र्क आएगा, और अगर 23 degrees 30 minutes लेते हैं तो 10 मिनट क्या होंगे? माइनस होंगे। तो 23 degrees 30 minutes जो है वो हम लेंगे, यानी 23.5 degrees ले लेंगे। तो जितनी आपकी मशीन की मिलिंग की एक्यूरेसी होती है उसके हिसाब से आपकी डिग्री आपने निकालनी है। उसमें अमूमन मिनट होते नहीं हैं, लेकिन अगर मिनट हो तो और अच्छी बात है, फिर आप अच्छी कैलकुलेट और अच्छा एक्यूरेट हेलिक्स एंगल मालूम कर सकेंगे। तो ये वैल्यू, ये चीज़ें जो थी, मुझे कुछ सवाल पूछे गए थे, और कोशिश यही हम लोग करते हैं कि जो सवाल दिए जाएँ वो उसका डेटा मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। जाहिर है मैं भी बुक्स का सहारा लेता हूँ आप लोगों के उनको समझाने के लिए, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो ये चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश ये करें इसको वर्कशॉप में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें,
और अच्छे से अच्छा इसको करने की कोशिश करें। इसके साथ ही शाहिद निसार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।